तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये अर्पिता फार्म्स। सो अभी हम लोग ने पूछा तो बोले सलमान खान अभी यहाँ पर नहीं है, वो खंडाला में गए हैं घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह माय गॉड, आई स्लेप लाइक अ बेबी। रात को 12 बजे सो के अभी सुबह 10 बजे उठे हैं। नाउ इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड अभी उठा हूँ मैं। सो आज का तो प्लान है बाहर घूमने जाना है, सलमान खान के फार्म हाउस में जाने का प्लान है। सो देखते हैं हाउ डज इट गोज। सो अभी मैं नहाने जाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे फ्रेश होके। सो वेलकम बैक इन माई चैनल एवरी वन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो इट्स 2:30 इन द आफ्टरनून और बाहर बारिश हो गई है, तो थोड़ा प्लान थोड़ा मजा किरकिरा हो रहा है। प्लान का थोड़ा बैंड बजी पड़ी है और कुछ आता क्या बोलते हैं। हाँ बारिश तो हो रहा है और बारिश में भीगेंगे तो सर्दी खांसी भी होने के चांसेस है, और अभी का सिचुएशन में सर्दी खांसी तो सबसे डेंजर बीमारी हो गई है। अभी लोगों को पहला लोग छींकते थे तो लोग गॉड ब्लेस यू बोलते थे, अभी लोग छींकते तो बोलते पहले जाके टेस्टिंग कराओ। सो बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है, वेट कर रहे हैं थोड़ा बारिश का कम होने का। अगर बारिश कम होती है तो फिर निकलेंगे, और अभी तो ज़्यादा ही ज़ोरदार चालू हो गया है बारिश। सो लेट्स सी। और क्या बात है, कुशादा वाटर स्टोरेज कर रहे। तो देखो गाइस, जिसे कहते हैं इंडियन जुगाड़, यहाँ पर छतरी में पूरा पानी जमा होगा, पूरा पानी इधर आएगा और यहाँ से फिर बकेट लगा के पूरा पानी स्टोर करेंगे। क्या बात है, वाह सर जी, व्हाट एन आइडिया। और व्हाट एन आइडिया सर जी, इतना बेस्ट आइडिया कहाँ से निकला, ये इंडियन जुगाड़ कहाँ से मिला तुम्हें। अरे भाभी ने दिया। वहीनी ने। बाय द वे गाइस, ये लोग 3 साल से मॉनसून में ऐसे ही पानी स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा पानी जमा होगा, यहाँ से भरेगा। सो इट्स 5 o'clock इन द इवनिंग और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, पूरा ब्लैकआउट है, बादल पूरा भरा हुआ है। सो आज का दिन तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ घर पे आराम करके निकलेगा। अभी होप सब प्लान कर रहे कि इधर ही लोकल में किधर कुछ जाए, थोड़ा देख के आए, और ऐसा सोच रहे कि कल मॉर्निंग में हम लोग फार्म हाउस पे मतलब देखेंगे बाहर से। सो देखते अभी और कैसे आता है, लेकिन आज का तो पूरा बारिश के मूड खराब हो गया। गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो दिस इज द नेक्स्ट डे। कल बारिश की वजह से जाने मिला नहीं, सो आज जाएंगे हम लोग। और आज थोड़ा क्लाइमेट ठीक लग रहा है, ऑल दो बादल भरा हुआ है बट हल्का हल्का धूप भी खिला है। इसके लिए प्लान तो ऐसा ही है कि नहाएंगे नहीं, बिना नहाए यही कपड़े में जा रहे हैं, ताकि कभी अगर रोड पर बारिश वरिश आ गई तो भीग जाएंगे और फिर आके नहाएंगे। तो अभी बाहर निकलते हैं। सो अभी सलमान खान के फार्म हाउस पे जाते वक्त बीच में ऑन द वे ये जगह आया,
बहुत खूबसूरत जगह है, सो यहाँ पर फोटो खींचने के लिए रुके। ऐसा लग रहा है पहाड़ एकदम नजदीक हो रही है, रोड इधर ही खत्म हो रहा है। ऐसा मुंबई वाले लोग का सपना होता है ऐसी जगह पे एक फार्म हाउस हो, अपना मस्त खेत खलियान हो और ऐसे बिजी लाइफ में आके यहाँ पर ऐसा दो तीन दिन रहे, है ना? क्या बोलते कुशाद, अपना भी ऐसा कभी आएगा कि नहीं दिन जब अपना फार्म हाउस होगा? ऐसे फार्म हाउस हो मस्त यहाँ पर आके रहे दो तीन दिन फ्रेश एयर, है ना? बस फाइनली हम लोग सलमान खान के फार्म हाउस के तरफ पहुंच गए। लिटरली बोलता हूँ बहुत अंदर है बहुत, और जैसे कि देख रहे हो पूरा बादल भर गया है, बारिश अभी होने वाली है और बहुत अंदर है पनवेल सिटी से। जैसे कि देखो पीछे, देखो यहाँ पर जैसा लिख के दिख रहा है, हाँ जंगलों के अंदर है। हम लोग को तो पता नहीं चल रहा था और अंदर ही अंदर जाते जा रहे थे कि कब ये फार्म हाउस आएगा, क्योंकि जितना अंदर जा रहे थे जंगल घना होते जा रहा था और बहुत घने जंगल के अंदर ये फार्म हाउस बनाया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये अर्पिता फार्म्स। सो अभी हम लोग ने पूछा तो बोले सलमान खान अभी यहाँ पर नहीं है, वो खंडाला में गए हैं घूमने के लिए सबके साथ। जैसे आप लोग को पता है कोरोना चल रहा है, इसके लिए अंदर एंट्री नहीं मिल रही और अंदर व्लॉग करने के लिए भी परमिशन देने रहे बिकॉज ऑफ द कोरोना। सो इसके लिए जो भी है बाहर से देखने मिला है और एटलीस्ट पता चला कि सलमान खान रहते ऐसी जगह पे है। पूरा उन्होंने 3 महीना का कोविड का था वो यहाँ पर ऐसे निकाला है। होप सो अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम परमिशन लेके आएंगे और शायद अगर परमिशन मिला तो हम लोग अंदर का भी ब्लॉग बना देंगे नेक्स्ट टाइम 100%। कितना लिटरली अंदर सिटी से कितना किलोमीटर? मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर है ना अंदर, 25 किलोमीटर अंदर तक है। और आप ये जो रोड देख रहे हो ना, ये रोड जाता है सलमान खान के फार्म पे, तो ये 20-25 किलोमीटर 25 किलोमीटर ये रोड सिर्फ बनाया है फार्म हाउस तक जाने के लिए, नहीं तो यहाँ पर कोई व्हीकल जाने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर कोई बड़ा प्रॉपर्टी है नहीं, कोई गांव मतलब हार्डली 2-3 लोगों का घर है। ये पूरा रोड सिर्फ पनवेल से बनाया है फार्म हाउस पर जाने के लिए। सो वेरी ब्यूटीफुल फार्म हाउस एंड वेरी ब्यूटीफुल वेदर। बुरा तो लग रहा है कि मतलब हमें अंदर का व्लॉग तो नहीं करने नहीं दिया, बट होप सो नेक्स्ट टाइम परमिशन लेके हम लोग व्लॉग करेंगे। एंड आपको ये पता है माहौल कैसा चल रहा है, माहौल पूरा गर्म है बॉलीवुड का भी, इस वजह से भी शायद सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उन्होंने हम लोग को अंदर का व्लॉग नहीं करने। मुझे लगा था थोड़ा बहुत तो अंदर ऐसा गेट के अंदर का दिखाने देंगे, नहीं हुआ, बट बेटर लग नेक्स्ट टाइम। सो अभी बहुत लेट हो गया है, बारिश भी अभी हल्का फुल्का बूंदाबांदी ड्रिजलिंग होना चालू हो गया। सो हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं और देखेंगे अगर कोई अच्छा जगह मिला तो वहाँ पर रुकेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट घर पे। सो आई रीच होम, टुक द शावर और अब जस्ट अभी लंच हुआ है। सो अभी यहाँ पर मैं व्लॉग एंड करता हूँ। होप सो आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, हमारे दोनों स्वीटी पाई पसंद आए होंगे
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के जितना हो सके शेयर करो। आगे भी ऐसे और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। फिर मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चलो बाय।